नमस्कार प्यारे छात्रों, आप है राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एटग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 19। पाठ 19 का नाम है ज्ञानदा की डायरी। इस पाठ के प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, ज्ञानदा ने अपनी बातें लिखी, तो ज्ञानदा ने अपनी बातें डायरी में लिखी थी। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न दूसरा है, टीम रेलवे स्टेशन स्टेडियम ट्रेन शब्द समूह हैं, तो ये जो शब्द समूह है ये अंग्रेजी भाषा के शब्द समूह हैं। सी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, ज्ञानदा को किस टीम के लिए चुना गया था, तो ज्ञानदा को हॉकी टीम के लिए चुना गया था। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, हमें उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सिखाते हैं, तो इसको हमें खेल जो है यह सब हमें गुण सिखाते हैं। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, बराबरी के मुकाबले के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ डी ऑप्शन के जो मैं लिखा है कांटे की टक्कर, इसको हम सही करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक छठवां है, हॉकी भारत का खालिस्तान है, तो हॉकी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, खालिस्तान लिखेंगे राष्ट्रीय। प्रश्न क्रमांक सातवां है, हॉकी का गढ़ खालिस्तान को कहा जाता है। प्रश्न है, हॉकी का गढ़ खालिस्तान को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा भोपाल। भोपाल को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य खालिस्तान जिले में देखा, इसका आंसर है टीकमगढ़। प्रश्न क्रमांक नौवां है, राज्य स्तरीय खेल के लिए खालिस्तान स्तर से चयनित टीमें आती हैं, यहाँ लिखेंगे हम संभाव। दसवां प्रश्न है, इस वर्ष झील में पानी कम है, इस वर्ष लोगों को खालिस्तान की समस्या हो सकती है, यहाँ हम लिखेंगे खेती। आगे देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक ग्यारहवां है, ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था, इसका उत्तर है राज्य स्तरीय टीम, यहाँ भी राज्य स्तरीय टीम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक बारहवां है, ज्ञानदा 2 दिनों तक डायरी क्यों नहीं लिख पाई, इसका उत्तर है उंगली में गेंद लगने के कारण उसमें दर्द था। आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक तेरहवां है, खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो यहाँ खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। चौदहवां प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध 5 महिला खिलाड़ियों के नाम बताएं, यहाँ हमने लिखा मीरा चानू, नंबर 2 पे पीवी सिंधु, तीसरा है सायना नेहवाल, दीपा मलिक, और पांचवा है क्रिकेट टीम की सदस्य मिताली राज। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15 है, मोनिया लोक नृत्य में किस किस चीज की आवश्यकता होती है, इसका उत्तर है मोनिया लोक नृत्य में ढोलक नगड़िया और लय के साथ डंडों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह से हुआ, लिखिए, इसका उत्तर है प्रतियोगिता का आरंभ खिलाड़ियों के मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ, इसके बाद मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद खेल शुरू हुए। प्रश्न क्रमांक 17 है, पेनल्टी कॉर्नर से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर है पेनल्टी में आक्रामक टीम को एक निर्धारित स्थान से गेंद को गोल की ओर मारने का मौका मिलता है जब विपक्षी टीम रक्षा नियमों का उल्लंघन करती है। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। आम, आम का अर्थ होता है आम समस्या और एक फल। वाक्य साधारण, यह साधारणतः यह एक आम समस्या है। दूसरा है, मुझे आम फल खाना पसंद है। तीसरा शब्द लिखा है कुल, कुल का अर्थ होता है परिवार और एक होता है अर्थ संपूर्ण। 2 अर्थ यहाँ लिखे हमने, वाक्य में प्रयोग लिखा यह मेरे कुल की परंपरा है, और दूसरा लिखा कुल मिलाकर 4 लोग आए। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19 है, अपने प्रिय खेल पर 6 से 8 वाक्य लिखिए, इसका उत्तर हमने लिखा मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, क्रिकेट खेल में एक टीम 11 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा है, हम गाँव में 5-5 ओवर का मैच खेलते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, मुझे बैटिंग करना अच्छा लगता है, क्रिकेट इंग्लैंड देश का राष्ट्रीय खेल है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अपने जीवन की किसी एक प्रमुख घटना अनुभव को डायरी विधा में लिखिए, इसका उत्तर लिखा मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है जब मैंने पहली बार अपने परीक्षा में टॉप किया, इस घटना ने मुझे आत्मविश्वास दिया और मेरे अध्ययन में मुझे और भी प्रगति करने के लिए प्रेरित किया, मेरे परिवार में और मेरे दोस्तों में इस घटना ने खुशी और गर्व का एहसास पैदा किया, अतः मेहनत और संघर्ष से कुछ भी हासिल किया जा
सकता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 19 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।